प्रदेश के चार जिलों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने वाले क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से 6 विशेषज्ञ और 2 जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित कुल 8 चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया है। ऐसे में उपचार कराने आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इससे पहले भी कई बार चिकित्सक न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कुल्लू अस्पताल से कुल 8 चिकित्सकों का तबादला हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के तबादले को लेकर सदर विधायक अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अस्पताल में नेत्र रोग बच्चों के चिकित्सक ना होने से ये दोनों ओपीडी बंद है। सर्जन और एनेस्थीसिया के तबादले से मरीजों के ऑपरेशन भी नहीं हो रहे। समिति की आज बैठक जो कुल्लू हॉस्पिटल में हुई, रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में उपायुक्त उसकी अध्यक्षता करते हैं और मेरा हमेशा एक प्राथमिकता रही कि मैं विधायक होने के नाते हमेशा हर रोगी कल्याण समिति की बैठक में जाता हूं। और ऐसे में पहले, क्योंकि ये बैठक रखी गई थी विधानसभा के दौरान, तो इन्होंने, मैं प्रशासन का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मेरी सुविधा अनुसार इस बैठक को आगे किया। लेकिन मुझे एक बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि मैं कुल्लू का विधायक, एक अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते रीजनल हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति की बैठक में जाता हूं, लेकिन अन्य विधायक जिसको, जिन सबको इसकी सूचना थी, इन्होंने 5 साल में कभी भी ये जो है उचित नहीं समझा कि इस बैठक में वो आए। वो सत्ता पक्ष के विधायक है, वो अपने आप को रोगी कल्याणों के ऊपर अपने आप को मान रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के विधायकों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से ऐसी बैठकों में आना चाहिए। इसमें मंत्री बाद में है, हम पहले, विधायक पहले हैं और हमारी जनता का हित। रीजनल हॉस्पिटल में बंजार के लोग भी आते हैं, आउटर सराज के लोग भी आते हैं, मनाली के भी आते हैं, लाहौल के भी आते हैं, द्रंग के भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के सराज के क्षेत्र के बाड़ी चौकी जो तहसील है उसके भी लोग आते हैं। तो ऐसे में हैरानी की बात है कि कभी भी ये विधायक, इनको सूचना के बावजूद ये आते नहीं हैं इन बैठकों में। और जब मैं कोई बात उठाता हूँ विधानसभा में तो ये उल्टे कटाक्ष करते हैं कि नहीं, कुल्लू हॉस्पिटल में सब अच्छा चल रहा है। अब बताइए, अब तो हद हो गई है कि आज 8 विशेषज्ञ डॉक्टर कुल्लू अस्पताल से जो है चले गए हैं। और मैं कल, मुझे एक और पता चला कि 9वीं डॉक्टर वो छुट्टी पे चली गई है, अपने पारिवारिक व्यवस्था करके, गायनी की डॉक्टर। आप देखिए, आई के 2 सर्जन, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेत्र रोग के चले गए, बच्चों के एक डॉक्टर चले गया और वहाँ ताला लगा हुआ है। आज सुबह मैं गया तो ताला लगा हुआ अस्पताल में। उसके बाद सर्जन एक डॉक्टर चले गया और उसके साथ में एनेस्थीजिया और पल्मोनरी डिजीज के जो है वो डॉक्टर चले गए। और आप बताइए, ऐसे में ये रीजनल हॉस्पिटल का क्या, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग ही हमारे को देखने के लिए वहाँ मरीज जाएंगे? आज सुबह मैं जब वहाँ गया, देखिए बेचारा प्रशासन भी क्या करेगा। प्रशासन की जिम्मेवारी थोड़ी नहीं है कि वो डॉक्टर ऊपर से लाए। प्रशासन तो सुविधा देगा, CMO सुविधा देंगे, वो तो सरकार को मालूम होना चाहिए था। और कल मंत्री जी ने जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, हैरानी होती है कि आप कुल्लू को क्या समझते हैं मंत्री जी? आप बताइए, आपने कहा कि वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, वो हायर स्टडीज़ के लिए गए। भाई आप ये देखो, पर कुल्लू अस्पताल से डॉक्टर तो गए, आप टेक्निकल बातों को क्यों बता रहे हो? हायर स्टडीज़ के या क्या करने गए? अस्पताल तो ताले लग रहे हैं, वहाँ पे जाइए आप, गरीबों के हालात देखिए। 6 महीने से वहाँ पे टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड का नहीं है, जो मुफ्त अल्ट्रासाउंड होता था 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि आयुष्मान भारत में और हिम केयर में बड़ा सीधा है कि जो हॉस्पिटल इसमें जो है एम्पैनल है, वो हॉस्पिटल जो है उनमें सिर्फ वही चार्ज लिए जाएंगे जो कि हॉस्पिटल के चार्ज हैं, और वो भी जो है हॉस्पिटल उसको रिइम्बर्स करता है सरकार, रोगी कल्याण समिति के माध्यम से। ऐसे में क्या हो रहा है इस कुल्लू में? मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी आए
उन्होंने एक भी बात कुल्लू हॉस्पिटल के ऊपर नहीं की। विधानसभा में जब मैं बोलता हूँ तो मुझे मेरे पे आग बबूला होते कि आप गलत बोल रहे हैं। आज आपके सामने प्रत्यक्ष है, देखिए मुख्यमंत्री जी आपके दबाव में मैं कुल्लू के प्रति अपनी जिम्मेवारी निर्वहन करना बंद नहीं करूँगा। आप समझते कि आप मुझे धमकाएंगे, आप बड़ी गलत फहमी में। जनता बिल्कुल कुल्लू से जो भेदभाव है, ये कुल्लू के मंत्री ने कहा कि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल से सिर्फ जो पढ़ाई करने गए हैं, आज क्या व्यवस्था हो रही है, क्या बता पाएगी सरकार की कितने दिनों में डॉक्टर आएंगे? ये 8 सर्जनों की जो कमी ना हुई, जो यहाँ पे वैकेंसी और क्रिएट हुई है, इसकी कब पूरा की जाएगी? गरीब जनता कब तक भुगती रहेगी? आज सुबह मैं गया तो वहाँ पे 2 घंटे से लोग कह रहे थे कि हम लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रशासन ने सीधे तौर पे हमने उसी वक्त फैसला लिया कि 8 बजे से ये जो काउंटर खुलना चाहिए, और एक अतिरिक्त काउंटर भी आज कह दिया है उपायुक्त ने, और वहीं पे हम बैठ के एक फैसला लिया गया कि जो भी है ये इसको कीजिए। ये तो व्यवस्था काउंटर की है, लेकिन आगे डॉक्टर किसको दिखाएंगे? पर्ची तो बन जाएगी लेकिन डॉक्टर कहाँ से आएगा? तो वो ट्रांसफ़र उसको नहीं कहते, वो ट्रांसफ़र नहीं, वो केवल मात्र जब MBBS करके जो डॉक्टर आते हैं तो उनको रजिस्ट्रारशिप के लिए जाना होता है, वो रजिस्ट्रारशिप के लिए और अपनी अगली स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो इसलिए अभी हम उनकी कमी को पूरा करेंगे, लेकिन अब डॉक्टर्स की वो पढ़ाई का ही एक पार्ट है, तो इसलिए उसमें वो जाना एक उनका वो एक जिम्मेदारी भी, और इसलिए और फर्दर स्टडीज़ के लिए उसमें उनका लाभ मिलता है। तो इसलिए जो भी अगर कमी रहेगी तो उसमें हम पूरा करेंगे, वो सब के सब लोग जो है और उसका अतिरिक्त अरेंजमेंट होगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। आर्मी की तरफ से नए सेशन की शुरुआत हो गई है, तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमारा चलेगा। इस बार एडमिशन के लिए हमने स्पॉट टेस्ट रखे हैं, जो किसी वर्किंग डे को आपके बच्चे जो हैं वो हमारे पास टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो फैसिलिटीज़ रहेंगी वो बॉयज़ गर्ल्स के लिए हॉस्टल सेपरेट रहता है, और साथ ही कुछ जो रूट्स हमारे ट्रांसपोर्ट के रहते हैं वो जो पुराने रूट्स सभी चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए रूट्स भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना भी एडमिशन से रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है minervaeducation.org, उसके ऊपर जाके अपनी क्वेरी देख सकते हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने एडमिशन प्रोसेस को कम्प्लीट करवाएँ, ताकि नया सेशन एकदम से हम पूरे टाइम पर शुरू कर